दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। और देखिए ये मैंने कुछ पीस कट किए हैं जिसकी मैं फ्रिल बनाऊंगी, तो इसका आपको पहले साइज बता देती हूँ कपड़े का। तो देखिए 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई जितना भी आपके पास कपड़ा हो, अगर छोटे छोटे पीस हैं तो हम पहले जैसे हमारे छोटे पीस हैं यहाँ से हम पहले स्टिच कर लेंगे, पूरा लंबा पीस कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से पलट के किनारे पे सिलाई डाल के और फिर बाद में हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो सारे पीसों को हम जॉइंट करके डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। और अभी आपको ब्लाउज का साइज बताती हूँ। देखिए ये मेरा ब्लाउज है और ये इसका अस्तर है, तो ब्लाउज को साइड में रख देते हैं, अस्तर पे साइज बताते हैं। देखिए ये मैंने 14.5 इंच ली है लंबाई और ये जो हमारा ब्लाउज बनेगा ये 34 साइज का बनेगा, 10.5 इंच है और जब हम तैयार करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो देखिए ये हमारा तैयार साइज रहेगा, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। और देखिए इसके जो मुड्डे, ये शोल्डर जो लिया है मैंने ये 6 इंच लिया है और जो मुड्डे लिए हैं ये भी मैंने 6 इंच लिए हैं। और अभी हम नेक ड्रॉ करते हैं। तो देखिए शोल्डर से 2.5 इंच ले लें और इस तरह से जितना आप डीप पहनना चाहते हैं उससे सब मार्किंग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 11 इंच लिया है, तैयार में 10.5 इंच आएगा। अभी हम इसको नेक ड्रॉ करते हैं, तो शोल्डर से सेम रहेंगे, नीचे हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर देंगे, इसको सेम डॉट पर कट कर लेंगे। तो देखिए इसमें मैं कैनवास नेक पट्टी कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट इसको लगा के पलट दूंगी। तो आपको सिलने का तरीका बताती हूँ। तो जो हमारा ब्लाउज है इसको आप सीधा रख लें और जो ये ड्राफ्ट है हमारा इसको इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। अभी हम नेक में यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच कर लेंगे और नेक को कट करके इसको पलट के चारों तरफ से सिलाई डाल के इसको सेट कर देंगे और उसके बाद जो हम फ्रिल बनाएंगे इससे इसकी डिजाइन देंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था स्टिच कर लिया यहाँ से नेक में पूरा, नीचे मैंने अस्तर रखा था जैसे कि बताया था, तो इसका नेक मैंने कट कर लिया है और अभी हम इसको पलट देते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से पलट देंगे। तो देखिए पलटने के बाद ये इस तरह से आएगा। अभी मैं इसको सिलाई डाल के पूरा सेट कर लेती हूँ, तो नेक से लेके पूरा कमर में और या मुड्डे में सभी में स्टिच डाल देते हैं जिससे कि दोनों पीस सेट हो जाएंगे। तो देखिए सिलाई डाल के पूरा मैंने इसको सेट कर लिया है। अभी मैं आपको यहाँ पर जो हम डिज़ाइन देने वाले हैं फ्रिल का, तो देखिए जो कपड़े हमने कट किए थे वो पीस मैंने जॉइंट करके इस तरह से फ्रिल तैयार किए हैं। तो देखिए मैंने कैसे बनाई वो आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ये डबल करना है कपड़े को और यहाँ पर हमने सिलाई डाल ली है और अभी यहाँ पर फ्रिल डालते हैं। तो देखिए तो इस तरह से 1/2 इंच यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे और फिर से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह की हमारी ये फ्रिल तैयार हो जाएगी, यहाँ पर सिलाई डाल देंगे। तो देखिए फ्रिल हमारी तैयार हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर नेक में ऊपर थोड़ा सा प्लेन छोड़ देंगे क्योंकि हमारा सिलाई में चला जाएगा शोल्डर पर और इस तरह से सेम नेक में हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए ये नेक में मैंने पूरा स्टिच कर दिया है और देखिए ये मैंने लेस ली है, आप कोई भी कलर की लेस ले सकते हैं और इस लेस को भी मैं नेक में पूरे में अटैच कर दूंगी और यहाँ पे कमर में भी मैं इस लेस को लगाऊंगी। जैसे नॉर्मल फिनिशिंग देते हैं सेम उसी तरह फिनिशिंग देने के बाद और सेम लेस को हम यहाँ पर भी स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये लेस मैंने पूरे नेक में अटैच कर दी है, जैसे नीचे फिनिशिंग देते हैं मैंने फिनिशिंग दे दी है और यहाँ पर भी लेस लगा दी। तो आप देखना कितना सुंदर लुक आ रहा है। और ज़्यादा लुक लाने के लिए देखिए मैंने कुछ मोती लिए हैं और इन मोतियों को हम यहाँ पर डिजाइन में अटैच करेंगे। तो जो ये फ्रिल है हमारी, देखिए इस तरह की जो फ्रिल आ रही है यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कोने से, तो कोने से बराबर से फोल्ड कर लेते हैं और देखिए थ्रेड ले लिया 4 फोल्डिंग का और यहाँ से निकालते हैं। तो यह पहली सिलाई हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शोल्डर पर जॉइंट करेंगे तो मोती टूट जाएगा, तो पहला फ्रिल छोड़ दें, दूसरे से स्टार्ट कर दें। तो देखिए इस तरह से मैंने ले लिया
मैंने सेम ब्लाउज कलर का धागा लिया है और देखिए ये गोल्ड मोती लिया है, क्योंकि गोल्ड लेस भी हमारी और मोती को यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच कर देते हैं। और इसको दो तीन बार सिलाई डालते हैं, जिससे क्या है कि मोती टाइट हो जाएगा और ये सेट हो जाएगा तो निकलेगा भी नहीं। फिर देखिए एकदम टाइट कर दिया है हमने। अभी देखिए फिर से हम इसी तरह से एक और लेते हैं। तो जितनी भी हमारी ये फ्रिल हैं, सभी फ्रिलों में हम इसी तरह से ये डिजाइन देंगे। धागे को तोड़ना नहीं है, सेम धागे को ही एक साथ ही स्टिच करते रहना है, क्योंकि तोड़ेंगे फिर गांठ लगाएंगे, तो बेहतर है एक ही धागे से आप स्टिच कर सकते हैं। देखिए ये कर दिया। इसी तरह मैं ये सारे फ्रिलों में मोती लगा देती हूँ। तो देखिए ये मोती मैंने पूरे नेक में स्टिच कर दी है, और देखिए ऊपर नेक में भी लेस है, कमर में भी लेस है, तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। जब आप पहनेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।